हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और मेरा गुड्डू सोया हुआ है अभी। तो ये आपने जो पहले देखा, ये था इवनिंग का, जो बारिश हुई थी, मौसम बहुत ख़राब हो गया था। और यहाँ मैं कर रही हूँ शाम के खाने की तैयारी। तो वही जो आपको पता है मैं क्या डालती हूँ, सूखी लाल मिर्चें और कड़ी पत्ता और जीरा धनिया और जो मेरे पास अवेलेबल है, मेरे खड़े मसाले, वही सब डाल रही हूँ। और हैंसी कर रहा है मेरी हेल्प, तो कुछ ना कुछ करने पहुँच जाता है बस। और मैं बना रही थी एक्चुअली दाल, और आप देख रहे होंगे ऑयल बहुत सारा है, तो ऑयल इसलिए सारा है क्योंकि मैंने दो चीज़ें बनानी थी, तो मैंने कहा अलग अलग तड़का नहीं लगाना है, मैं इकट्ठा ही तड़का लगा लूँगी सिर्फ, और नमक और मिर्च वगैरह जो है वो हिसाब से बाद में डाल लूँगी। बाकी ये है लहसुन अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट, और मतलब इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आया था कि थोड़ी देर तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं वापस जयपुर पहुंच गई हूँ, क्योंकि जब हम जयपुर में थे तो वहाँ जो हमने जितने टाइम भी खाना खाया है तो वह ऐसा ही तीखा तीखा खाना बनाते हैं और खूब स्ट्रॉन्ग मसाले वाला। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि ये मैंने मसाले भी बहुत डाल लिए, लास्ट में गरम मसाला थोड़ा सा और ऐड कर लिया, उससे जो था कि फ्लेवर तो आता ही है स्ट्रॉन्ग, लेकिन बहुत ही टेस्टी भी बना हुआ था। और ये मैंने मंगवाया था मीशो से, तो ये मुझे ऑफ पे पड़ा था, मैंने दो मंगवाए थे ये चॉपर जो है। तो बस फिर मैंने कहा, एक मैंने भी लिया था और एक हमारे साथ जो मेरे कलीग हैं उन्होंने लिया था, तो बस यहाँ मैं इसको मिला लूँगी अच्छे से, और उसके बाद इसको होने दूँगी, अच्छे से फ्राई होने दूँगी। और यहाँ मैंने टमाटर भी जो है चॉप करके रख दिए, ये मेरा पुराने वाला है पीजन का ना, लेकिन ये मुझे कॉस्टली भी बड़ा पड़ा था और छोटा भी बहुत है, तो टमाटर मैंने इसी में कर दिए थे, चॉप करके रखे हुए थे। अब इसमें टमाटर मिक्स कर दूँगी और अच्छे से पकने दूँगी इसको ना। और मैंने यहीं पे डाल दी इसमें हल्दी, क्योंकि हल्दी को पकाना बहुत ज़रूरी है, और दोनों के हिसाब से डाली थी। एक मैंने बनाई थी महाराजमा की दाल और दूसरा बनाया था मटर पनीर, तो ये मैंने इसमें गरम मसाला अभी भी डाल दिया और बाद में भी डाल दिया था थोड़ा सा फ्लेवर के लिए, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। और हल्का सा नमक डाला है क्योंकि टमाटर जो है वो अच्छे से गलते नहीं हैं और अच्छे से तेल को छोड़ते नहीं हैं जब तक आप ऐसे सब्ज़ी में टमाटर नहीं डाल देते हो। और गरम मसाला डाला था, साथ में मेथी पाउडर डाला था और थोड़ा सा काली मिर्च डाली थी, पिसी हुई थी मेरे पास। यहाँ मैंने मसाला कर दिया है अलग अलग, आधा मैंने रख दिया था मटर पनीर के लिए और आधा डाल दिया मैंने अपनी महाराजमा की दाल में, माँ हमारे यहाँ उड़द को बोलते हैं। और उसमें डाल के मैंने कुकर में ही डाल के इसको मिक्स कर दिया और अच्छे से सीटी लगा दी थी, क्योंकि फिर वो एक सार हो जाती है दाल ना, अगर आप ऐसे बनाते हो तो। खुले बर्तन में टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन कुकर में आप जल्दी कर देते हो। और ये बना रहे हैं साथ में बच्चों के लिए, हाका नूडल्स लेके आए थे तो ये उनके लिए बना रहे थे, उसकी प्रिपरेशन चली हुई है। तो ये यहाँ पे हो रही है टेस्टिंग कि कैसा बना है भाई। ये हमारे पास वो है, दोनों रखे हुए हमने, वो होते हैं ना शेफ जो लास्ट में चेक करते हैं कि अच्छा ये अच्छा बना है नहीं बना है। और ये दोनों जो, ये तो खा लेती है सब्जी बट ये नहीं खाता सब्जी ना, तो इसने सारी अपनी सब्जियाँ निकाल निकाल के और सारा सोनी को दे दिया। तो बस ऐसे ही जी बच्चे आजकल के, आप समझ ही सकते हो। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। और तो मेरा आज का छोटा सा व्लॉग जो है वो मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया था क्योंकि आज मैं ऑफिस गई थी, तो
तो ये सब मेरा जो कुकिंग वाला था ब्लॉग और थोड़ा सा वेदर के ऊपर था वो मैंने आपको दिखाना था, क्योंकि बहुत ही अच्छा मौसम हुआ था तो मैंने बस जो छोटा सा कैप्चर किया हुआ था मैंने आपके साथ वो शेयर किया है। और जो भी दूर दूर से मेरे यूट्यूब में नए जुड़े हैं उन सभी का बहुत 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 वेलकम है मेरे चैनल पर, मेरी यूट्यूब की फैमिली पर, जो अभी बहुत छोटी है बट आई होप इन फ्यूचर बहुत बड़ी होगी, जो मेरे साथ मेरी तरह जो हैं अभी बिल्कुल न्यू कमर हैं यूट्यूब पर, उनको भी अगर वो कुछ मेरा वीडियो देखती हैं तो, अदरवाइज़ मैं कोई बहुत बड़ी वो तो हूँ नहीं इधर, अगर वो देखते हैं तो उनके लिए है कि आप भी मेरी तरह मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन तो मेहनत रंग लाती ही है, आपने भी सुना होगा, हार्ड वर्क ऑलवेज पे फॉर यू। फिर मैं अब आपसे कल मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके, और आई होप आपको मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग जो है पसंद आया होगा, तो फिर मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।